ये कपड़ा देख रहे हो आप कितना ज़ोर से हिल रहा है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान जैसी हवा चल रही है और बिजली भी चमक रही है ऊपर, आप देख सकते हैं आसमान पे, और बहुत तेज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, एकदम तूफानी हवा चल रही है। ये देखो दोस्तों, इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और अगर आप देख सकते हो ये कपड़ा देख रहे हो आप कितना ज़ोर से हिल रहा है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान जैसी हवा चल रही है और बिजली भी चमक रही है ऊपर, आप देख सकते हैं आसमान पे, और बहुत तेज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, एकदम तूफानी हवा चल रही है। और आज है 26 नवंबर 2023। ये आप देख सकते हो, वहाँ पर पेड़ देख सकते हो आप, हवा की आवाज़ भी सुन सकते हो आप, बहुत ही तेज़ तूफ़ानी हवा चलने लगी अचानक से, बस अल्लाह ही रहम करे, किसी तरह का तूफ़ान चल रहा है जिस तरह से आप देख सकते हो। या अल्लाह, आंधी तूफान वाली हवा चल रही है, एकदम आसमान पे बिजली भी चमक रही है। 26 नवंबर 2023 संडे मॉर्निंग, काफ़ी देर से इस तरह से तूफ़ानी हवा चल रही है, आई एम श्योर समंदर में भी काफ़ी उछाल आ रहा होगा, बट इस वक्त मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, मैं अंदर ही हूँ, मैं अपने रूम की बैल्कनी से ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बारिश भी आने लग गई है, बहुत ही तेज़ बारिश आने लग गई है, तूफानी हवा भी चल रही है, आधे घंटे से तो नॉन स्टॉप इस तरह से हवा मैं खुद देख रहा हूँ उसके पहले से ही चल रही है, और अभी तो बारिश भी आना शुरू हो गई है बहुत तेजी से। बर्फ गिर रही है यार, बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तूफानी बारिश हो रही है, तेज हवा चल रही है, बिजली भी चमक रही है बहुत ज्यादा, और ये तेजी से और बढ़ता ही जा रहा है ये तूफान। अल्लाह रहम करे, कुछ अजीब ही तरह का तूफान है ये, इसका कोई इंडिकेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, गली में से बहुत तेजी से हवा चल रही है, देखो 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 अब्बा गिर रही है, हाँ यार हाथ लगाने तो बोल रही तुम, मुझे हाथ लगाने दो ना अब्बा, मुझे हाथ लगाने दो, बर्फ बर्फ गिर रही है, ओले गिर रहे, ओले पहली बार मुंबई में ऐसे हुआ है कि बर्फ की बूंदे गिर रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने आज सुबह तो 26 आज है 26 नवंबर 2023, और आज का जो वेदर है सुबह से इतना अलग रहा है वेदर, मतलब ना बारिश है, ना बारिश का मौसम है, ना कुछ, लेकिन इतनी ख़तरनाक सुबह के 5 बजे तूफ़ानी हवा चल रही थी सुबह सुबह, और कम से कम एक घंटा आंधी तूफान जैसा वेदर था,
और क्योंकि हम लोग समंदर के बहुत ही पास रहते हैं तो समंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे उछाल मार रहा था और ऐसा लग रहा था कि समंदर अभी आगे आ जाएगा। तो आप अभी भी देख सकते हो इस वक्त शाम का 5:30 बज रहा है और अभी जो वेदर है आप आसमान पे अगर देखोगे तो यहाँ पर पूरे काले काले बादल छाए हुए हैं और बारिश का पूरा मौसम बन गया है, बिजलियाँ कड़क रही है, किसी तरह का ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान यहाँ पर जमा हो गया है या तूफान आने वाला है, इस तरह से यहाँ पर कुछ वेदर बन गया है। आप देख सकते हो बिजलियाँ कड़क रही है, बादल बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए हैं और शाम का 5:30 बज रहा है मगर ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो गई है, इतना ज़्यादा अंधेरा है। समंदर फिलहाल शांत लग रहा है, अब आपको अगर मैं दिखा दूँ तो उस तरफ समंदर है, ये देखिए ये सामने इतना पास हम लोग समंदर के रहते हैं तो ये समंदर है। तो फिलहाल समंदर बहुत शांत लग रहा है लेकिन ये शांति भी काफ़ी डरावनी लग रही है, काफ़ी डरा देने वाली शांति है क्योंकि कहते हैं ना कि तूफ़ान से पहले का जो तूफ़ान के आने से पहले का जो सन्नाटा होता है ना, कुछ उस तरह का मौसम नज़र आ रहा है यहाँ पर। और सुबह में भी हम लोग जब उठे तो डर के उठे क्योंकि ऐसा बिन मौसम तूफ़ान आंधी तेज़ हवाएँ और इस तरह का वेदर देखकर तो कोई भी नॉर्मल इंसान डर ही जाएगा यार, क्योंकि ऐसा हम लोग कभी नॉर्मल डेज में एक्सपीरियंस नहीं करते और ये कुछ अलग ही है। इट इज़ लाइक अ स्टॉर्म पासिंग बाय और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरे चारों तरफ मैं आसमान पे जहाँ पर नज़र घुमा रहा हूँ वहाँ पर इतने काले काले बादल छाए हुए हैं, बिजलियाँ कड़क रही है और अभी तो मतलब मुझे लग रहा है ये शुरुआत है, बारिश बहुत तेज़ी से आने वाला है और आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। चलिए आगे अगर देखेंगे बारिश आती है क्या है, बट मैं चाहता था कि ये व्लॉग आज का जो व्लॉग है ये ज़रूर आना चाहिए यूट्यूब पर क्योंकि ये एक यादगार दिन होने वाला है, अल्लाह ही रहम करे। लेट्स गो। ये देखो यहाँ पर 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है हमारे बिल्डिंग में और नीचे लोग डब्बे ले लेके खड़े हैं लाइन लगा के, देख सकते हो आप इतनी बुरी हालत है। बारिश भी हो रही है, ऊपर से तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है और यहाँ पर जो है पानी की तकलीफ़, लोग किस तरह से गांव खेड़े में या झोपड़पट्टी में जिस तरह से लोग लाइन लगा लगा के पाइप से पानी भरते हैं ना, कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी पानी भरा जा रहा है। ये देखिए कितनी तकलीफ़ है यहाँ पर, ये देखो क्या हाल है इधर। और यह है वर्सोवा गांव, हर जगह ऐसा नहीं होता है वर्सोवा गांव में बट हमारी बिल्डिंग में काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी प्रॉब्लम है पानी को लेके। अल्लाह आसान करे।